जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राकेश। तो आज की वीडियो स्पेशली आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर आपने बहुत सारे कमेंट किए Redmi Note 8 Pro और XT वाले कंपैरिजन पे कि अभी XT में एक अपडेट आ चुका है, उसके बाद ये क्या हो गया, कैमरा काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है यहाँ पर। तो इस अपडेट का अगर आप साइज देखेंगे तो ये है 2.87 GB, यानी कि ऑलमोस्ट 3 GB की फाइल है। तो ऐसे आपको 3 GB का अपडेट नहीं मिलेगा, OTA के थ्रू जब आपको अपडेट मिलेगा उसका साइज कम होगा। तो देखा जाए इस अपडेट में कुछ फीचर्स ऐड किए गए, साथ में कैमरा को काफ़ी फोकस किया गया है कि इम्प्रूव किया गया है यहाँ पर। लेकिन इसको चेक करने के लिए काफ़ी क्या किया जाए, क्योंकि हम लोग जब अपडेट कर लेते हैं उससे पहले की जो इमेज है और बाद में जो इमेज है, वाकई में कितना फ़र्क आया ये कैसे पता लगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ फ़ोटोज़ को क्लिक किया, सबसे पहले यहाँ आर्टिफिशियल लाइट में, उसके बाद मैं आउटडोर कंडीशन में चला गया, वहाँ पर मैंने कुछ फ़ोटोज़ को अलग अलग कंडीशन में क्लिक किया, तो इन फोटोज़ को क्लिक कर लिया। उसके बाद जो फाइल मैंने डाउनलोड किया था उससे फ़ोन को क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद अभी आप देख सकते हैं फ़ोन अपडेट हो चुका है। फिर मैंने सेम फोटोज़ को क्लिक किया और अब हम लोग चेक करने वाले कि क्या इंप्रूवमेंट मिला, क्या फीचर्स ऐड किए गए, तो हम लोग उसको चेक करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल पर नए वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अपडेट करने के बाद क्या देखने को मिला कि अभी हम लोग जो फोटोज़ क्लिक कर रहे हैं उन सबका जो साइज़ है वो पहले से कम हो चुका है। ये बात मैं कैसे कह रहा हूँ, मैंने जितनी फ़ोटोज़ क्लिक किया तो सेम फोटो सेम कंडीशन, बिफोर अपडेट 3.4 MB, आफ्टर अपडेट 3.3 MB। ये तो छोटा सा फर्क है लेकिन सारी कंडीशन में फर्क है। ये सेकंड केस है, यहाँ पे भी आप फर्क देख सकते हैं, मैक्रो शॉट में भी आपको फर्क देखने को मिल जाएगा क्लियर। तो चाहे आर्टिफिशियल लाइट हो चाहे हमारे पास नाइट मोड हो, इन दोनों में ही आपको क्या है, साइज में फर्क देखने को मिल जाएगा और सभी कंडीशन में जो साइज है वो पहले से कम हो चुका है। ये पहला फर्क है। क्या बोलते हो भैया जी, सही पकड़े हैं ना? तो साइज़ तो कम हो चुका है पहले से, क्या फ़ोटो की क्वालिटी बढ़ चुकी है या फिर घट चुकी है, अभी ये चेक करने का टाइम है। पहला सैंपल आपके सामने 1 करोड़ रुपए के लिए ये रहा। तो ये अपडेट से पहले और अपडेट के बाद की फ़ोटो आपके सामने है। अगर मैं इसको जूम कर देता हूँ तो हम लोग देखते हैं क्या फ़र्क देखने को मिलता है। तो यहाँ डिटेल में कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल सेम है। शायद आपको हल्का सा फ़र्क देखने को मिल रहा होगा कलर क्वालिटी में, रीज़न है इसके पीछे, सिंपल सा रीज़न है। तो थोड़ा सा जो कलर यहाँ पर चेंज हुआ है उसके पीछे सिंपल सा रीज़न है, ISO 2000 यहाँ और यहाँ पर 2200 है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा आपको कलर क्वालिटी में फ़र्क देखने को मिल रहा होगा, बाकी डिटेल सेम है। इसी तरीके से इस फोटो में भी क्या है, डिटेल सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी क्या है कि ISO में थोड़ा सा भेदभाव हो चुका है, आप देख सकते हैं 600 और ये 700। तो नॉर्मल सभी लोग ऑटो मोड पे यहाँ पे फोटोज़ क्लिक करते हैं तो इसे कहते हैं इमेज प्रोसेसिंग। कैमरा क्या करता है, वाइट बैलेंस, एक्सपोजर, ISO, इनको ऊपर नीचे करके फ़ोटो को पोस्ट प्रोसेसिंग करता है। और इस अपडेट में स्पेशल मेंशन है कि इम्प्रूव कैमरा क्वालिटी ऑफ जूम, यानी कि जूम करके अगर हम लोग फोटो क्लिक करते हैं तो आपको क्वालिटी बेटर मिलती है। चेक कर लेते हैं, तो ये पहली फोटो 1x जूम पे है, दूसरी फोटो हमारे पास 2x जूम पे, और इसमें आपको 5x जूम का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये 5x जूम पे आपके सामने फोटो है। तो कैमरा ने जूम करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई फर्क नहीं है दोनों फोटो में, बिफोर और आफ्टर अपडेट में। ऐसे रियलमी वालों झूठ बोलते हो क्या, जानते नहीं हो कि हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैक्रो मोड, इन दोनों फोटो में भी आपको कोई फ़र्क देखने को नहीं मिलता, दोनों ही फोटो में जो डिटेल है आपको हर तरीके से सेम मिलती है। तो आपको फोटो की क्वालिटी में कोई फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा, बस साइज़ कम कर दिया गया, ISO को थोड़ा ऊपर नीचे किया गया। वैसे ISO क्या होता है, ऐसे शाम के टाइम लो लाइट में स्पेशली ISO जितना कम रहता है, नॉइज़ यानी कि मक्खी मच्छर छोटे छोटे दिखाई देते हैं ना फोटो के अगल बगल, वो कम हो जाता है। तो ये मैंने सिंपल बता दिया आपको ISO का क्या काम है। लेकिन आपको कुछ ऐसे एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहला है डार्क मोड, ये ऐसे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी तो अभी आपको इसमें डार्क मोड का सपोर्ट मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको मेजर चेंज देखने को मिलता है, जब मैंने अनबॉक्सिंग किया था आपको दिखाया था किस तरीके से अगर हम लोग इसको फ़ोन को इधर उधर करते हैं तो कैमरा किस तरीके से आप देख सकते हैं स्मूथनेस नहीं मिलती। तो अभी अपडेट के बाद ये चीज़ देखने को नहीं मिला मुझे, ये मतलब सॉल्व हो चुका है, स्मूथनेस देखने को मिलती है। और इसमें आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलता है, इससे आप वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे, अपडेट के बाद ये कर सकते हैं आप, यानी कि आप मेन कैमरा और अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दोनों से वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। वो अलग बात है, मेन कैमरे पे आपको ज़्यादा क्वालिटी मिलने वाली है क्योंकि अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा 8 MP का है, लेकिन ये ऑप्शन मिल जाता है तो ये अच्छी बात है। और अगर आप चाहें इस अपडेट को डाउनलोड करके फाइल मैनेजर में जाके सिंपल इसको टैप करना, ओपन करते ही आपका क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा फ़ोन। लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूं, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप OTA अपडेट का वेट करो, वो ज़्यादा सेफ रहता है ऐसे थोड़ा। तो ये थी इस अपडेट की टोटल कहानी, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।